आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गाजीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर दौरा आज। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गाजीपुर दौरा। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। जेपी नड्डा का आज गाजीपुर दौरा रहेगा। आईटीआई मैदान में होनी है जेपी की जनसभा। सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक रहेंगे मौजूद। खबर गाजीपुर से है, जहां जेपी नड्डा का आज दौरा रहेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा के आगमन को लेकर तैयारियां हुई पूरी। खबर गाजीपुर से है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दौरा रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज गाजीपुर दौरा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन, देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के बाद उत्तर प्रदेश में ये पहला दौरा रहेगा। सीधे वो 2024 के लिए यहां से गाजीपुर से हुंकार भरेंगे। अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी डिप्टी सीएम बृजेश पाठक सहित केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले 11:40 पर गाजीपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, उसके बाद सीधे वो वहां से पौहारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वहां पे बूथ अध्यक्षों के साथ वार्ता करेंगे। उसके बाद जो है वो पौहारी बाबा आश्रम से चल के फिर एक होटल में आएंगे, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों का वो सम्मान करेंगे एवं उनके साथ संवाद करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं जेपी नड्डा एक आईटीआई ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद भाजपा जिला कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ वार्तालाप करेंगे। देखा जा रहा है तो जिस तरीके से वहां पर सीएम मौजूद रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई है वहां पर? सिनंजनी, हम आपको बता दें कि ये 48 घंटे पहले से ही शासन एवं प्रशासन उनकी तैयारियों में एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं में लग गया है। आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस हिसाब से अभी मंच पे भी कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे MLC विशाल सिंह चंचल भी मंच पे मौजूद है, साथ में DM गाजीपुर और SP गाजीपुर मौजूद है, वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। चूंकि जनपद गाजीपुर में सिर्फ एक जनसभा ही नहीं है, लगभग 4 जगह इनकी सभा है छोटी छोटी, उसके लिए बहुत बड़े स्तर से तैयारी की जा रही है। देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच रहे, तो कितना खास माना जा रहा है ये दौरा? जिनेंद्रनी, हम आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भाजपा की करारी हार और उसके बाद विधानसभा चुनाव में जनपद गाजीपुर की 7 सीट पे करारी हार, तो ये भाजपा का एक प्लान है कि 2024 का जो इलेक्शन की शुरुआत होगी उसकी जो है पटकथा लिखी जाएगी वो जनपद गाजीपुर से लिखी जाएगी। देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार बीजेपी उन्हीं सीटों पर ज्यादा मजबूती देने की कोशिश कर रही है जहां से वो हार हासिल की थी, इसके बाद देखा जाए तो गाजीपुर भी उन्हीं में से आता है। आपको बता दें कि गाजीपुर सपा का गढ़ माना जाता है। 2019 के इलेक्शन में मनोज सिन्हा को अंसारी बंधुओं ने कड़ी टक्कर देते हुए उनको भारी मतों से हराया था। उसके बाद विधानसभा में भी गाजीपुर में भाजपा का पूरा 7 विधानसभा सीट पे साफ हो गया था, जिसको लेकर बड़े स्तर पर बीजेपी के प्रभारियों ने बड़े स्तर पर मीटिंग की थी और उसी को आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2024 के लोकसभा का शिलान्यास गाजीपुर की धरती से करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।